कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रुमकी। हर बार की तरह आज कृषि समाचार के ओर ले चलते हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं, साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जानते हैं, मंडी के भाव के बारे में जानते हैं। ये सारी जब हम जानकारियाँ ले लेते हैं फिर वापस आते हैं, उसके बाद हम ढेर सारी और भी जानकारियाँ देते हैं। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं जानकारी कृषि। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालकों के लिए लागू है सूकर विकास योजना। लोहरदगा के गांव में 9 अक्टूबर से 26 फरवरी 2014 तक चलेगा पशु चिकित्सा शिविर। एक मुलाकात सफल महिला किसान वीरा देवी के साथ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के सभी जिलों में सूकर विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पशुपालकों को एक सूकर इकाई की स्थापना के लिए 2 नर सूकर और 4 TND नस्ल की मादा सूकरी 50% अनुदान पर प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए वैसे लाभुकों का चयन किया जाता है जिनके पास सूकरों को रखने के लिए बाड़ा उपलब्ध हो और वो पहले से ही सूकर पालन से जुड़े हों। लाभुकों के चयन में प्रशिक्षण प्राप्त सूकर पालकों को प्राथमिकता दी जाती है। जिला पशुपालन कार्यालय लोहरदगा की ओर से इस जिले के 12 प्रखंडों के विभिन्न गांवों में 9 अक्टूबर 2013 से 26 फरवरी 2014 तक पशु चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर के लिए कुड़ू, कंडरा, चट्टी, पतरातू, लोहरदगा, चापी, सेन्हा और कैरो केंद्र के लिए 10-10 गांव तथा किस्को एवं भंडरा के लिए 20-20 गांव का चयन किया गया है। सभी चयनित गांवों के नाम और आयोजन की तारीख के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पशुपालक प्रखंड या जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सब्जी फसल टमाटर को विषाणु जनित रोगों से बचाने के लिए किसान भाई इमीडॉक्लोप्रिड नामक दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर घोल बनाकर रोग ग्रसित फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी जो आने वाला जो मौसम है वो सब्जी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें कई तरह के कीट व्याधियाँ जो आपके जैसे कि टमाटर में आप देखेंगे कि जो पत्ता सिकुड़ने वाली जो बीमारी है वो एक विषाणु के द्वारा परिलक्षित है। तो आप विषाणु रोग जब भी आपके टमाटर के पौधे पर लगे तो देखेंगे कि पौधा के जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और कप से पेट हो जाते हैं और उसके जो नोड हैं वो सघन हो जाते हैं, नज़दीक में आते हैं, पौधे जो है झाड़ीनुमा दिखाई पड़ते हैं। तो इस स्थिति में आप इमिबडा क्लोरोपिड एक दवा आती है जो कि कन्फिडोर के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीलीटर मिला के छिड़काव करें। साथ साथ जब भी ये लक्षण आपके खेतों में एक भी पौधे पर दिखाई पड़े उसी समय उस पौधे को आप उखाड़ लें और उखाड़ के एक पॉलीथीन में बंद करके ज़मीन में गाड़ दें, जिससे कि वो जो कीट हैं कीट के द्वारा ये बीमारी फिर दूसरे पौधे पे नहीं फैलेगा। राज्य के किसान सब्जी फसल मूली से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए मूली के उन्नत प्रभेद पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा चेतकी, पूसा देसी, कांची हरा या जापानी वाइट लगाएं। देसी मूली नवंबर तक और विदेशी प्रजाति की मूली दिसंबर तक लगाई जा सकती है। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर खेत के लिए 10 से 12 किलो बीज का उपयोग करना चाहिए, जिसे पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। देसी किस्मों में पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा चेतकी, पूसा देसी और विदेशी किस्मों में जापानी वाइट का चयन करें।
पिग हो उस कृषि उपकरण का नाम है जिसकी सहायता से किसान ताड़ खेत में फसल की निकौनी कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 20 डेसिमल प्रतिदिन है। और आइए अब मिलते हैं पलानी की सफल महिला किसान श्रीमती रीता देवी से। किसी देश की तरक्की तभी सार्थक मानी जाती है जब हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी समान हो। महिलाएं खेती में तो शुरू से ही मदद करती आ रही हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज वह प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपको यकीन नहीं तो चलिए श्रीमती रीता देवी से मिलते हैं, जो अभी साग और मूली की बहुत अच्छी खेती कर रही हैं। खेती अखन तो धान भी लगाया है, तक मूली लगाएगा, साग लगाएगा, मिर्चा लगाएगा, काम धान लगा ले बेसी है। बेलियापुर कृषि विज्ञान मिलिया। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2500 रुपए, चावल उत्तम 2600 रुपए से 5200 रुपए, गेहूँ 1450 रुपए से 2100 रुपए, चना 3750 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5200 रुपए, सरसों तेल 8400 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 950 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 3500 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत बहुत सारी जानकारियां आपने ले ली। और जैसा मैंने कहा था आपको कि मैं आपके लिए जानकारी और भी लाई हूं, लेकिन उन्हें देने से पहले यहां पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जाँच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल, इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। और जैसा कि मैंने कहा था कि जानकारी लेकर आए हैं, तो पहली जो जानकारी है वो है गेहूं के विषय में। अब आप सोच रहे होंगे गेहूं के विषय में कौन सी जानकारी, तो हम आपको बता दें कि गेहूं की जो खेती होती है ना, उस पर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपके खेत किस तरह से आपने तैयार किए हैं, कौन सी किस्मों का चुनाव किया है, ये सारी जानकारी जो है ना वो किसानों को होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको दिलाते हैं ये जानकारी। आज हमारे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श श्रीवास्तव। कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव हैं। ये हमें जानकारी देंगे गेहूँ की खेत की तैयारी कैसे करें और अच्छे अच्छे किस्मों का चुनाव कैसे करें। तो साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गेहूँ की खेती के लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि रबी का मौसम शुरुआत हो रही है और गेहूं एक मुख्य फसल के अनाज वाली मुख्य फसल है। इसके लिए सर्वप्रथम हम खेत की तैयारी करने के लिए कि मिट्टी पलट हल से एक बार गहरी जुताई कर दें। इसके बाद 6-7 बार हम देसी हल से उसकी जुताई कर दें। और जैसा कि कहावत है कि मैदे गेहूँ ढेले चना, तो गेहूँ मतलब जो खेत की तैयारी इस तरीके से करें कि खेत गेहूं के लिए एकदम मैदा की तरह होना चाहिए, यानी उसमें किसी तरीके का खरपतवार ना हो, किसी तरीके का ढेला ना हो। और हर जुताई के बाद कोशिश करें कि पाटा लगा दें, जिससे कि मिट्टी के जो ढेले हैं वो भी टूटेंगे और हमारी नमी भी संरक्षित रहेगी। इसके बाद हम जो बीज हम चुनाव कर रहे हैं, जिसमें कि है कि जो समय से प्रजातियाँ हैं और कुछ विलम्ब की प्रजातियाँ हैं, जो समय से बुआई और सिंचित अवस्था के लिए हैं, जैसे के 9107 जिसकी उपज बहुत अधिक 40 से 50 क्विंटल होती है। दूसरी है कि सिंचित क्षेत्र के लिए HD 2643 है, जिसको गंगा भी बोलते हैं। HUW 234 है, जिसकी उपज 35 से 40 क्विंटल होती है। और इसके अलावा जो और असिंचित क्षेत्रों के लिए हैं, वो असिंचित क्षेत्र के लिए हैं, जैसे C306 K8027 और HDR 70, इनका हम ले लें। इसकी उपज तो थोड़ा कम होती है 20 से 25 कुंटल, लेकिन ये प्रजातियां अच्छी हैं। और यदि हम पुराने तरीके से या मतलब पारंपरिक तौर से बुआई गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो 125 कुंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है अगर समय से बो रहे हैं। और यदि देरी से बो रहे हैं तो हमको 150 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बीज अगर हम उसको शोधित करके बोएं, तो जो भी फफूंद जनित रोग हैं, स्मट है, इस तरीके के रोग से बचा है, इसके लिए हम बवेस्टिन या कर्बेंडाजिन 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद बोएं। किसान भाइयों, एक नई प्रजा मतलब तकनीकी आई है, जिसको आजकल गेहूं की सघन विधि भी बोलते हैं। इसमें बीज का जो दर है वो बहुत ही कम है और जो किले हैं श्री विधि, जो धान की श्री विधि है उसी की तरह काफ़ी मात्रा में निकलते हैं और बाल का साइज अधिक है। इसमें इस विधि से अगर हम गेहूं की खेती करते हैं तो एक एकड़ में तो 10 किलो और हेक्टेयर में लेते हैं तो 25 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई भी बीज, चाहे वो घर का हो या उन्नत बीज हो, ले लें। इसके अलावा इसको सुषुम पानी में करीब अगर हम 25 किलो बीज ले रहे हैं तो 50 लीटर सुषुम पानी में उसको डाल दें और उसी में ही करीब 10 किलो गुड़, 10 किलो बर्मी कंपोस्ट और 10 लीटर ताज़ा गौमूत्र रख दें और कम से कम 12 घंटे के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद हम उसको जितना भी खखरी हो उसमें, मतलब खराब बीज हो और टुकड़ा बीज हो, उसको निकाल दें। निकालने के बाद हम 12 घंटे रखने के बाद उसको निकाल लेते हैं। जब उसे पानी टपकना बंद हो जाए तो उसमें प्रति किलो 2 ग्राम के हिसाब से बवेस्टिन डाल लेते हैं और 36 से 48 घंटे हम उसको ढक के किसी जूट के बोरा से ढक के रख देते हैं। और रखने के बाद हम जब थोड़ा सा किला मतलब उसे अंकुरित हो जाए, तब दो दो दाना हम 20x20 सेंटीमीटर, यानी लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक दो दो दाना बो देते हैं। बोने के बाद हम उसमें मतलब पाटा लगा दें
और ये ध्यान रहे कि हम उसको लाइन से बोएं, और जब हमारा 10 से मतलब जो शुरुआत है जो पहली सिंचाई करते हैं वो 15 दिन पे करते हैं, और दूसरी 30 दिन 45 दिन 60 दिन, इसलिए मतलब इसमें हल्की सिंचाई की जाती है और 6-7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और हल्की सिंचाई दी जाती है। और इसमें खाद जो है वो 120 किलो नाइट्रोजन और 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की आवश्यकता पड़ती है। और जब खेत में अगर खरपतवार हैं तो इसमें 2 बार कोनो बीडर चलाने की आवश्यकता पड़ती है, पहला 20 से 25 दिन के बाद और दूसरा है कि 40 दिन पे। यदि हम 2 बार कोनो बीडर चला देते हैं तो इसमें खेत से जितने भी खरपतवार होते हैं जैसे बथुआ है, हिरनखुरी है, वो उसी खेत में मिल जाते हैं और उसमें जो ह्यूमस का है ऑर्गेनिक पदार्थ है उसमें बढ़ा देते हैं और जो उसमें किल्ला होते हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में निकलते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ आप बताए जैसे धान के खेत में हमारे किसान भाई श्री विधि से करते हैं, तो आप यहाँ भी एक नई तकनीक बताए SWI। जी SWI, तो यहाँ आपने बीज की मात्रा बिल्कुल ही नीचे ले दिया है, जैसे कि आप बता रहे थे 1.5 क्विंटल यहाँ लगेगा वहाँ हमारे किसान भी लगाएंगे, यहाँ 10 किलो, तो दोनों के बीजों में जो अंतर आ रहा है तो दोनों के उत्पादन में कितना अंतर आएगा ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए किसान भाइयों, जैसे मतलब धान की श्री विधि है उसमें हम 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाते हैं, और जबकि श्री विधि में हम मतलब धान में 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं। इसी तरीके से गेहूं में है कि हम सिर्फ 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ही बीज लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो हम छिड़कवा विधि या हल के पीछे गेहूँ लगाते हैं उसमें दूरी हमारा मेंटेन नहीं हो पाता है, दूरी हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो पौधों की जो संख्या है वो हमारे जो सुई मेथड से उसे बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और उनको एक एक जगह कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा बीज गिर जाते हैं तो उनको बढ़ने की जगह भी नहीं मिलती है, किला निकलने की जगह नहीं मिलती है। जबकि सुई विधि मेथड SWI में बीज 2-2 डालते हैं और दूरी पर डालते हैं, जिससे कि उनको जो खेत में हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और कार्बनिक गोबर की खाद दे रहे हैं वो एक ही पौधा को एक समय मिल रहा है, उससे दूसरे पौधे के साथ कोई भी मतलब कंपटीशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं हो रही है, उसको प्रकाश भी पूरा मिल रहा है, उसको जल सिंचाई जल भी अच्छी तरीके से मिल रहा है, उसको पोषक तत्व भी अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वृद्धि हो रही है। इसलिए और अब हम लोग यहाँ पर एक देखे भी हैं कि जो हम पुराने तरीके से लगाते हैं और SWI तरीके से लगाते हैं तो बाल में भी बहुत अंतर है, मतलब दूना बाल होता है और दूने बड़ा बाल होता है, उसका साइज भी बड़ा होता है। और हम पुराने तरीके से अगर गेहूं लगा रहे हैं तो अगर 4-5 से ज़्यादा किला नहीं होते हैं, जबकि धनवाद के प्रक्षेत्र में SWI के द्वारा किया गया है तो उसमें 42 किले, 46 किले या 52 किले तक उसमें मतलब निकला है, जो हम 1 या 2 दानों से हम लगाए मतलब यहाँ हम गेहूँ लगाते हैं SWI के अंतर्गत, तो उसमें इतने ज़्यादा हैं। जब हमारे किला इतना ज़्यादा निकल रहा है और बाल का जो आकार है वो भी बड़ा है, स्पाइक भी मतलब उसका जो वो है वो भी बहुत काफ़ी बड़ा है, तो किसान को का रिएक्शन वो भी है कि हम मतलब अगर हम सिर्फ SWI से करेंगे तो हमारा ज़्यादा उत्पादन। इवन यहाँ मतलब धनवाद के क्षेत्र में है कि एक एक किसान जिन्होंने SWI से किया था 70 से 75 कुंटल उन्होंने प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन लिया है। देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गेहूं की खेत की तैयारी के बारे में और उसके उन्नत बीज के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी काफ़ी बढ़िया लगी होगी, और अगर आपने खेती करने की सोच रखी है गेहूं की तो अब आप अपने खेतों का बिल्कुल ध्यान देंगे, किस्मों का सही चुनाव करेंगे तो देखिएगा सही मायने से आपको जो लाभ होना है वो बिल्कुल मिल पाएगा। और साथ ही साथ अब हम आपको बताएंगे दूसरी जानकारी। आज की जो दूसरी जानकारी है वो है टमाटर के विषय में। जी हाँ, किस तरह से आप शरद ऋतु में यानी ठंड के मौसम में आप टमाटर की खेती करें, वो भी पॉली हाउस के अंदर, तो ये सारी जानकारी हम आपको दिलाएंगे हमारे विशेषज्ञ के द्वारा। तो चलिए देखते हैं ये जानकारी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पॉली हाउस में सब्जियों की खेती किस तरह से की जाती है।
और इसकी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी हैं। सर, हमें ये बताया और हमारे किसान भाइयों की कि पॉली हाउस में खेती किस प्रकार से की जाती है और किन किन बातों का खास ध्यान रखा जाता है। किसान भाइयों, अभी जो आधुनिक तकनीक आया है तो उसमें जो है पॉली हाउस, जो संरक्षित खेती बोलते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं इसको, ये मतलब आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन है। जैसे कि आपको यहाँ पर ओला का समस्या नहीं है, पाला का समस्या नहीं है, पत्थर का समस्या नहीं है, आपको तेज़ बारिश या तेज़ धूप का समस्या नहीं है। तो ये सब जो रिस्क था खेती में, मतलब बाहर में जब खेती हम करते हैं तो उसमें जो रिस्क था, उस रिस्क को जो है यहाँ कम से कम कर दिया गया जब हम पॉली हाउस का खेती में आते हैं। और पॉली हाउस के खेती में दो तीन चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पॉली हाउस में जो मतलब जिसमें कि मुनाफा ज़्यादा हो, उस तरह का अगर सब्जी का खेती का बात करते हैं तो जिसमें मुनाफा ज़्यादा हो और जो पॉली हाउस के अंदर हो सकता है उस तरह का खेती को करना चाहिए। इसमें तीन फसल मुख्य रूप से है। पहला है टमाटर, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे पॉली हाउस में टमाटर लगा हुआ है। दूसरा है शिमला मिर्च और तीसरा फसल है खीरा। खीरा का जब हम प्रयोग करते हैं तो खीरा में एक जो है पार्थेनोकार्पिक करके वेराइटी आता है, जिसका बीज बहुत ही महंगा है। मतलब एक बीज का दाम करीब 8 से 10 रुपया जो भारतीय कंपनी का है, और इजराइल का कंपनी का जब आप बीज लेंगे तो 20 से 25 रुपया एक बीज का है। कि उसमें क्या उसका विशेषता है कि सालों भर मतलब जितना फूल आएगा सब में फल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो प्लांडू में अनुसंधान किए, हमारा जो है टमाटर पर जो है विशेष मतलब यहाँ पर आपको पॉली हाउस पर किया जा रहा है, और टमाटर का किस्म भी जो है पॉली हाउस के लिए विकसित किया गया है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया सर किसान भाइयों की कि टमाटर की कितने किस्म होते हैं और किन किन किस्मों को आप लगाए हैं, और अभी जो टमाटर के जो देख रहे हैं हम लोग, ये कौन सी किस्म लगी हुई है। टमाटर के किस्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन पॉली हाउस के लिए जो प्लास्टिक के घर में जो है उसी तरह का किस्म को आप प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला तो है कि मुरझा रोग, हमारे मिट्टी में जो है, जो झारखंड का मिट्टी है इसमें मुरझा रोग आता है। तो इसमें जो है अगर आप टमाटर का किस्म का चुनाव सही न करेंगे जो कि मुरझा रोग के रोगरोधी हो, जिसमें कि मतलब अगर मुरझा रोग है भी तो हमारा 80 से 90 पौधा जिंदा रहे तो हम लोग उसको रोगरोधी मानते हैं, उसमें कोई दवा काम नहीं करता है। तो इसमें जो रोगरोधी का किस्म हो। दूसरा जो है कि आपको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, असीमित बढ़वार, जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो इतार जो है लगभग 4.5 मीटर ऊंचाई पर इतार बांधा हुआ है, वहाँ से जो रस्सी लटका हुआ है, तो असीमित बढ़वार का पौधा का चुनाव करते हैं। और इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ प्लांडू से जो है HTS 10 करके 10 नंबर जो है एक संकर किस्म विकसित किए हैं, जो कि आप हमारे दाहिने तरफ देख रहे हैं कि लगा हुआ है। और इस फसल का जो है अभी रुपाई जो है मतलब अगस्त प्रथम सप्ताह में हुआ है, और 2 महीना में ही आप फसल का बढ़वार देख सकते हैं कि 5 से 6 फीट जो है ऊंचाई आ चुका है। तो यह किस्म जो है यहाँ के लिए जो है झारखंड के लिए जो है पॉली हाउस में जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं उनके लिए जो है संकर किस्म उपयुक्त है। किसान भाई के मन में अब ये सवाल होता होगा, जो खुले खेत में करते थे खेती और पॉली हाउस आने पर वो उस तरह भी करना चाहते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, और दोनों में से अगर पॉली हाउस में करने की इच्छा रखते हैं तो क्या ज़्यादा मुनाफा हो सकता है उन्हें। किसान भाइयों देखिए, दोनों में बहुत ही आसमान ज़मीन का अंतर है। अगर हम पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं तो दोनों तरफ है, आपका मुनाफा में भी अंतर आएगा, दूसरा है कि लागत भी इसमें ज़्यादा लगता है। यहाँ पर जो है आपको जब आपको एक पॉली हाउस मान लें कि 1 एकड़ में अगर प्लास्टिक का आप घर बना रहे हैं और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में जो है आपको 50% इसमें भी अनुदान है, तो 1 एकड़ के बनाने में लगभग आपको जो है 36 लाख रुपया लागत आता है, और 36 लाख रुपया में से 18 लाख रुपया जो है सरकार आपको अनुदान के रूप में दे रही है। 18 लाख रुपया आपका लगेगा, और उसको निकालने में आपको मूलधन निकालने में कम से कम 2 से 3 साल आपको लगेगा, उसके बाद आपको मुनाफा शुरू होगा। रही बात लागत का, लागत ज़्यादा है लेकिन हमारा पर यहाँ पर नुकसान कम है, रिस्क कम है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आपको बाहर में इस तरह का टमाटर का पौधा दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे बारिश नहीं हो रहा है, इसके अंदर बारिश नहीं आता है, तेज़ धूप नहीं आता, तेज़ धूप के लिए ऊपर जो है पर्दा लगा हुआ है, जब तेज़ धूप आता है तो उस पर्दे को लगा देते हैं। प्लास्टिक घर के चारों तरफ जो है पर्दा लगा हुआ है, उसके नीचे जो है मच्छरदानी लगा हुआ है कि कोई भी कीड़ा नहीं घुसाए, जब हम पर्दा को मोड़ेंगे तो मच्छरदानी रहेगा जिससे कि हवा आएगा, तो वेंटिलेशन मतलब इसको नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से हवादार, इसमें कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का अगर हम खेती करते हैं तो लागत ज़्यादा है, मुनाफा ज़्यादा है,
रिस्क जो है कम है, नहीं के बराबर रिस्क है। अगर किसान भाई सही से उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें, जानकारी प्राप्त करके करें, जैसे कि हमारे अनुसंधान के फुलांडू से आकर के वो जानकारी प्राप्त करके करें कि यहाँ का कौन सा किस्म हमको प्लास्टिक घर में लगाना चाहिए, तो उनको जो है बाहर से कई गुना ज़्यादा इसमें मुनाफा प्राप्त होगा। ये तो जैसे लत्तेदार है, झींगी हो गई, करेला हुआ, बोधी हो गया, क्या ये सब भी वो लगा सकते हैं? नहीं किसान भाइयों, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटेक्टेड, मतलब प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, संरक्षित है कि कहीं पर किसी को घुसना नहीं है, तो न कीड़ा होगा। आप हमारा दरवाज़ा भी जब पॉली हाउस का देखेंगे तो इसमें दो दरवाज़ा रहता है, पहला दरवाज़ा खोलिए उसमें अंदर आइए, उसके बाद अंदर वाला दरवाज़ा खोलिए, जिससे कि बाहर से हमारा लगाव कम हो, कीट का, बीमारी का प्रकोप जो है इसमें कम होता है। तो जब हमारा हवा नहीं आएगा, मतलब कोई कीड़ा नहीं आएगा, मधुमक्खी नहीं आएगा, तो जो झींगी है, करेला है या और जितने भी लतीदार सब्जी है उसमें अपने से स्वपरागण नहीं होता है, पर परागित फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप बोलते हैं। तो उसके लिए परागण के लिए हमको चाहिए तेज़ हवा, मधुमक्खी का, चींटी का, तो वो सब जो इस नहीं लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ जो है आप स्वपरागित फसल लगा सकते हैं, और स्वपरागित फसल में चुनाव करना है कि किसमें हमको मुनाफा ज़्यादा होगा, क्योंकि लागत यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, तो हमको फसल का चुनाव करते समय ध्यान देना है कि मुनाफा किस फसल में ज़्यादा होगा। तो पूरे विश्व भर में जो ये पॉली हाउस पर जो शोध किया गया है, और उसका शोध का निष्कर्ष यही है कि टमाटर की खेती से, शिमला मिर्च की खेती से और खीरा की खेती से जो है आपको मुनाफा ज़्यादा प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा, जाना और समझा कि जो टमाटर है, खीरा है, इन सब सब्जियों को अगर पॉली हाउस में करते हैं तो लागत तो ज़्यादा होगी लेकिन मुनाफा भी ज़्यादा होगा। और डॉक्टर साहब, और कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? हमारा किसान भाइयों से सुझाव है कि अगर पॉली हाउस में सरकार का अनुदान है, उस अनुदान को प्राप्त करें, और उसके साथ साथ 50% जो है वह बैंक से ऋण लेकर के करें, तो उसमें जो है अभी जो वातावरण में जो परिवर्तन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, कि कभी कभी तो बहुत अतिवृष्टि होगा या अनावृष्टि होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा होगा या बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, तो बाहर में जब हम फसल लगा रहे हैं तो हमको नुकसान हो रहा है। आपका पैसा तो लग गया, लेकिन मान लीजिए कि टमाटर आपका बाहर में तैयार है, आपका पाला मार दिया या ओला पड़ गया, तो आपका फसल जो है तैयार होने के बाद भी नुकसान हो जाता है, लेकिन पॉली हाउस में जो है इस तरह का नुकसान नहीं के बराबर होगा। तो आप इस खेती की ओर बढ़ें, जिससे कि अगर एक एकड़ भी आप खेती करेंगे तो हम समझते हैं कि एक एकड़ के खेती से मतलब साल में 12 से 15 लाख रुपया जो है पॉली हाउस से आपको आमदनी प्राप्त होती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, इतना सुझाव दिया आपने। किसान भाइयों, नमस्कार। अभी जो भी जानकारी आपको हमने दिलाई, वे जानकारी दे रहे थे धनंजय कुमार ने, और ये सारी जानकारी पाकर मुझे उम्मीद है कि आप भी टमाटर के लाल लाल से जो फल हैं यानी सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से आप उगा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल वक्त ये कह रहा है कि जानकारियाँ भी हो गई, कृषि समाचार भी हो गया, अब जाने का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले हम लिखवाते हैं अपना पता, तो जल्दी से लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रात्रि रोड, रांची, पिन संख्या 8340001। तो आपके खतों का हमें रहता है हमेशा इंतज़ार। आप हमें खत लिखिए, और साथ ही साथ आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप हमें पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।